आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति की। मैथ का टॉपिक है संख्या पद्धति, इसका हम आज टॉपिक लेंगे इकाई अंक निकालना। किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, या इस तरह के सवाल जब पूछे जाते हैं तो दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, जब समीकरण के रूप में हो जब सवाल जो है वो समीकरण के रूप में दिया हुआ हो, या फिर जब सवाल है पावर के रूप में हो। देखिए, जब सवाल या तो समीकरण के रूप में दिया हुआ हो या फिर पावर यानी घात के रूप में हो, तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक की बात करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब समीकरण के रूप में हो तो हम इसके एग्जांपल हल करेंगे। तो देखिए, ये एक सवाल दे रखा है हमें, इसका इकाई का अंक निकालना है। इसमें क्या है, सभी गुणनों के अंदर दे रखे हैं, तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम 346, 961, 579 और 28 का गुणा नहीं करेंगे। हम सिर्फ इनके जो इकाई के अंक है उनका आपस में गुणा करेंगे और उनके सिर्फ इकाई के अंक लेंगे। जैसे 6 को 1 से गुणा किया, कितना है 6 आ गया। 6 को 1 से गुणा किया 6 आ गया। फिर इस 6 को 9 से गुणा किया यानी 54 आ गया। 6 ने 54, तो इसका सिर्फ इकाई अंक लेंगे। 4 का गुणा सिर्फ 8 से किया, 32 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। आंसर क्या आ गया इसका, 2 आ गया। इस तरह से इसको हल करेंगे, पूरा गुना नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई के अंक आपस में गुना करते रहेंगे। अगला एग्जाम्पल है, देखो इसके अंदर सभी गुना में था, इसके अंदर क्या है गुना में है, लेकिन एक जो है वो प्लस के अंदर है। तो इसको किस तरह से करेंगे देखेंगे। देखो, 8 को 2 से गुना किया, इकाई अंक लेना है सिर्फ। 8 को 2 से गुना किया 16, इसका इकाई अंक लेना है। 6 को 6 से किया 36, सिर्फ इकाई अंक लेना है। 6 में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, ध्यान रखना प्लस का निशान है। 6 में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे यानी कितना आया, 10। 10 आया, तो इसका आंसर क्या आ गया, इकाई का अंक क्या है इसका, 0 है। इस तरह से हल करेंगे इसको। बाकी एग्जांपल और देखते हैं इसके। देखिए, अगला एग्जांपल क्या है, इसके अंदर पहले गुना के अंदर है, फिर प्लस में है, फिर दो गुना में है, फिर माइनस में है, फिर दो संख्याएं गुना में है। इसका क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इसके अंदर भाग को हल करते हैं, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। ठीक है, तो सबसे पहले गुना को हल करेंगे। 6 को 3 से किया, कितना आया 18। सिर्फ इसका इकाई का अंक लेना है। यहाँ पे प्लस आ गया तो हम इसको आगे हल नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों संख्याओं को हल करेंगे। 7 को 8 से किया, कितना आया 56। इसका सिर्फ इकाई का अंक लेना है। अब देखो, माइनस का आ गया, इसको हल नहीं करेंगे, इन दोनों को साथ में इकट्ठा गुना करेंगे। देखो, 4 को 3 से किया, कितना आया 12। सिर्फ इकाई का अंक लेना है। अब देखो, 8 में क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस का निशान है यहाँ पे। ये देखो, प्लस का निशान है, तो यहाँ पे 8 में 6 जोड़ेंगे, कितना आया 14। ठीक है, सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। अब देखो, 4 में से 2 क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का निशान है। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ जाएगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये गुना में दे रखे हैं सारे, लेकिन एक जगह पे ये देखो स्टार लगा रखा है, और इकाई का अंक हमें बता रखा है पहले ही कि इकाई का अंक 2 है, तो हमें स्टार की जगह पे क्या संख्या आएगी ये निकालना है। तो चलिए कैसे निकालें, देखो 9 को 3 से किया 27, 7 को छोड़ दिया, सॉरी 7 इकाई का अंक आ गया। अब देखो, इसको एक बार छोड़ देते हैं, 7 को 7 से करेंगे, देखो कितना है, 7 को 7 से करेंगे, कितना है 49, यानी 9 आ गया। अब 9 को किस संख्या से गुना करेंगे कि 2 आए, 9 को किस संख्या से गुना करेंगे 2 आए, देखो 9 का पहाड़ा लिखेंगे, 9 को 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक गुना करेंगे। देखो, 9 को 1 से गुना किया 9, 2 से किया 18, 3 से किया 27, 4 से किया 36, 45, 54, 63, 72 और 81। अब देखो,
यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या है, दो है, यानी नौ को इस संख्या से गुणा करें तो इकाई काम पे दो आना चाहिए, यानी दो कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आठ, तो इस स्टार की जगह पे क्या आएगा, यानी स्टार इक्वल टू क्या आएगा, आठ आएगा, स्टार की जगह पे क्या आएगा, आठ आएगा, क्योंकि नौ को आठ से गुणा करेंगे, नौ गुना में आठ तो बेहतर आएगा, यानी इकाई का अंक दो आएगा, तो यहाँ पे अगर आठ है तो आठ को नौ से गुना किया तो कितना आया, बेहतर आया, और इकाई का अंक क्या आ गया, दो आ गया। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। देखिए इसके दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखेंगे इसका, जब पावर के रूप में हो। तो चलिए ये एग्जाम्पल है इसका, इसमें से ये संख्या घटाने पर इकाई का अंक क्या आएगा, तो अगर ये संख्या बड़ी हो तो हम घटाकर नहीं देखें, सिर्फ इकाई के अंक घटाएंगे। देखो पांच में से दो नहीं घटेगा, सॉरी दो में से पांच नहीं घटेगा, तो यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन लेंगे इधर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बारह हो जाएगा, बारह में से पांच घटाएंगे यानी बारह माइनस पांच, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सात। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखो क्या है, स्टार दे रखा है एक इस संख्या में, तो इकाई का अंक आठ दे रखा है, स्टार की जगह में हमें निकालना है क्या आएगा। देखो स्टार वाली संख्या को छोड़ देते हैं, पहले तीन को, यानी तीन आठ और स्टार गुना में 723 गुना में 1506 गुना में 321, अब एक को छह से गुना करेंगे, देखो एक को छह से गुना करेंगे कितना आएगा, छह आएगा, अब इस छह को तीन से गुना करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा, सिर्फ आठ लेंगे, आठ को किस संख्या से गुना करें कि आठ आए, ठीक है, इकाई का अंक आठ आना चाहिए, आठ को किस संख्या से गुना करें कि आठ आए, ठीक है, ये निकालना है, यानी आठ गुना में स्टार इक्वल टू आठ, ये है। तो हम क्या करेंगे, आठ का पहाड़ा लिखेंगे, आठ को एक से किया, आठ दो से तीन से चार पाँच छः सात आठ नौ, यानी नौ तक लिखेंगे, दो से किया 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 और 72। अब जब आठ, ये जो आठ है कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक इस जगह पे आ रहा है और एक इस जगह पे, यानी स्टार की जगह पे क्या है, स्टार की जगह पे क्या है, स्टार की जगह पे क्या आ रहा है, एक और छह, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक और छह दोनों, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब पावर की घात में, यानी कोई सवाल दे रखा है और उसमें घात लगा रखी हो, वो किस तरह से हल करेंगे। चलिए इकाई अंक निकालने के लिए दूसरा पॉइंट जो है वो है, जब पावर के रूप में हो, यानी सवाल पावर के रूप में हो, तो इकाई अंक से हम शुरू करेंगे। इकाई अंक जो भी सवाल दे रखा है उसके अंदर इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इनमें से कोई भी है, तो इनके तीन केस बनेंगे, तीन केस बनेंगे जिनमें देखो 0 और 1, ठीक है, और 5 और 6, 0, 1 और 5, 6, देखो केस फर्स्ट, इसके अंदर 0, 1, 5 छह, जब कोई भी सवाल दे रखा हो और उसकी घात चाहे कितनी भी दे रखा दे रखी हो, उनका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो हम उसे किस तरह से हल करेंगे, जब जब सवाल में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो क्या होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए किस तरह से इसके एग्जांपल हम देखते हैं, पहले कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 761 की घात जो है वो 999 है, इसका इकाई का अंक हमें निकालना है, 761 की घात 999 है, इसका इकाई का अंक निकालना है हमें। देखो इस सवाल के अंदर इकाई का अंक क्या है, एक है, यानी केस फर्स्ट है, 0, 1, 5, 6 में से कोई भी इकाई का अंक हो तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, का
इकाई का अंक जो है वो जो इकाई का अंक है वही का वही आएगा, इसका आंसर कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, एक का एक ही आ गया तो इसका सीधा सीधा करेंगे, जब 0, 1, 5, 6 इकाई के अंक हो चाहे घात कितनी भी हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखो घात इस सवाल का इकाई अंक हमें निकालना है, तो इस सवाल का हम पहले इकाई अंक देखेंगे। इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 6 है। इस संख्या का इकाई अंक 6 है। 6 है तो ये केस फर्स्ट में आता है, केस फर्स्ट में आता है यानी इसका इकाई अंक, इकाई का अंक जो है वो वही आएगा, जो इस संख्या का इकाई अंक है वही इस सवाल का इकाई अंक आएगा इसको हल करने के बाद में। तो इसका आंसर सीधा हम 6 लिख देंगे, इस तरह से इसको हल करेंगे। जब किसी भी सवाल में संख्या का इकाई अंक, घात का नहीं, घात का हमें नहीं देखना है, संख्या का देखना है, संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी हो तो वह सीधा का सीधा आंसर लिख देंगे, उस सवाल का इकाई अंक तो वही होगा। जब 0, 1, 5, 6 किसी भी सवाल में संख्या का इकाई अंक हो तो वही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका केस सेकंड देखते हैं। देखिए केस फर्स्ट हो गया इसका 0, 1, 5, 6 जब किसी भी सवाल में इकाई संख्या जो दे रखी है उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस सवाल में इकाई का अंक वही आएगा जो इकाई का अंक उस संख्या का दे रखा है। केस सेकंड में क्या है, 2, 3, 7 और 8 लेंगे। जब सवाल में संख्या का इकाई का अंक जो है वो, इकाई का अंक जो है वो 2 या 3 या फिर 7 या फिर 8 हो तो हम कैसे करेंगे? चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई एग्जांपल है, 2 की घात 17 का इकाई का अंक हमें निकालना है, 2 की घात 17 का इकाई का अंक हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले मैं बता दूं, जब इकाई का अंक 2 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या फिर 8 हो तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से इसको हल करेंगे। देखो 2 को 2 से गुना किया 4 आया, 4 को 2 से किया 8 आया, 8 को 2 से किया 16 आया, 6 को 2 से किया 2 वापिस आ गया। ठीक है, 6 को 2 से किया 12 आया, यानी इकाई का अंक 2 वापिस आ गया। यानी हर एक 4 यानी 2 की घात 4 के बाद में जब 2 की घात 5वीं आती है, यानी 2 की घात 5वीं आती है तो इकाई का अंक वापिस वही आ जाता है। यही इन सभी में लागू होगा, यानी 2 की घात 3 की घात अगर 4 करेंगे, 4 के बाद 3 की घात 5 अगर हम लिखेंगे तो 3 आएगा, 7 की घात अगर 5 हम लिखेंगे तो 7 आएगा, 8 की घात 5 हम लिखेंगे तो 8 आएगा। 2 की घात 17 है तो हमें करना क्या है, जब इसके अंदर जो पावर होती है पावर के अंदर हम 4 का भाग देंगे, यानी पावर के अंदर हम 4 का भाग देंगे। जब इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो पावर के अंदर हम 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही लेंगे। तो 4 का भाग दिया, 4 बार गया 16, यानी शेष क्या बचा, 1। शेष 1 बचा तो 2 की घात 1 कितना होता है, 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, इकाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया। अगर यहां पर शेष 0 बचेगा तो हम 0 की जगह पे 4 लेंगे। ठीक है, अगर शेष 0 बचता है, शेष 0 बचता है तो हम यहां पर घात की जगह पे 4 लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, यानी 1753 की पावर जो है 1532। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक हमें निकालना है। देखो इस संख्या का इकाई का अंक पहले देखो क्या है, 3 है, यानी केस सेकंड का है। केस सेकंड में हम
इकाई का अंक जो तीन है तो जो पावर दे रखी है उसमें क्या करेंगे, चार का भाग देंगे। पावर में हम सिर्फ दो अंक लेंगे, ठीक है, पूरा ले सकते हैं या फिर दो अंक ले लीजिए। दो अंक लिया यानी 32 में हम क्या करेंगे, चार का भाग देंगे। चार का भाग दिया कितनी बार, 8 बार। शेष कितना आया, 0 आया। शेष 0 आ गया तो हम यहाँ पे इकाई का अंक लेंगे, इसकी घात 0 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 की घात जो है 0 नहीं लेंगे। शेष 0 आने पे हम इसकी घात जो है वो हमेशा चाहे कौन से भी सवाल में 0 आ जाए शेष, तो हम 4 घात लगाएंगे, यानी घात 4 करेंगे, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, तो 7 को 3 से किया 21, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 1। आंसर क्या आ गया इसका, आंसर इसका 1 आ गया। इस तरह से इसको हल करेंगे, तो चलिए ये सारे सवाल हो जाएंगे इसके, इस तरह से इसको हल कर लेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल एक देख लेते हैं। देखो कोई भी संख्या है 1998 की घात है 1998, इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, यानी देखो इसका इकाई का अंक निकालना है। 1998 की घात 1998 है का इकाई का अंक निकालेंगे, तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 8 है, यानी केस सेकंड में आया है, ये केस सेकंड की तरह हल करेंगे। 8 आया तो 1998 में क्या करेंगे हम, 1998 में हम क्या करेंगे, 1998 में या फिर सिर्फ दो अंक लेंगे, लास्ट के दो अंक लेंगे, इसमें क्या करेंगे, चार का भाग देंगे। चार से भाग दिया 2 बार, 8 1 18, चार से भाग दिया 4 बार, 16, शेष बच गया 2। जो इकाई का अंक है उसको हम जो शेष बचा है वो पावर के रूप में लिख देंगे, यानी 8 गुना में 8 को 8 से गुना किया 64, यानी आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 4। इकाई का अंक क्या है इसका, 4। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। अब केस थर्ड देखें, जिसके अंदर सिर्फ 4 और 9 बचता है, 4 और 9। जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना हो, उसकी घात कितनी भी दे रखी हो, लेकिन उसकी उस संख्या का इकाई का अंक 4 या 9 हो, तो उसे किस तरह से हल करते हैं ये हम देखेंगे। देखिए जब केस सेकंड में क्या था, जब सवाल में संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो घात के क्या है, 2 अंक लेंगे, घात के पहले इकाई और दाई के 2 अंक लेंगे, उनमें 4 का भाग देंगे, जो शेष आएगा वो उस संख्या सवाल में संख्या के इकाई के अंक के ऊपर रख के हल कर लेंगे। अगर शेष 0 आता हो, यानी 4 का भाग देने पर 0 आता हो, तो 0 के जगह पे उस जगह पे 4 लेंगे। अब केस थर्ड है, थर्ड में क्या बचा था, 4 और 9 बचा था, यानी जब सवाल में संख्या का इकाई का अंक जो है वो 4 या 9 हो, तो जब सवाल में संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक 4 या 9 हो, तो किस तरह से हल करेंगे। देखो अगर उस संख्या की घात जो है वो सम हो, यदि तो यदि घात घात जो है वो विषम हो, तो पहले विषम देखेंगे, विषम हो तो मान वही आएगा, मान वही क्या आएगा, जो इकाई का अंक उस संख्या का है वही उस सवाल का इकाई का अंक आएगा। अगर सम हो, घात यदि घात सम हो तो 4 के लिए तो क्या आएगा, 6 आएगा इकाई का अंक, उस सवाल का इकाई का अंक 6 आएगा। अगर उस सवाल में इकाई जो संख्या है उसका इकाई का अंक 9 हो तो क्या आएगा, उस सवाल का इकाई का अंक 1 आएगा। अब देखिए मैं आपको हल करके बताता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल है उसके अंदर 9 यानी 1999 दे रखा है, 1999 की घात 1999 है, ये दे रखा है, ठीक है। इसका हमें इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले इस सवाल में संख्या जो दे रखी है उसका इकाई का अंक हमने देखा 4 है, सॉरी 9 है, यानी केस थर्ड में यह आ रहा है।
तो हम इसकी जो घात है वो देखेंगे सम है या विषम है। 1999 सम है या विषम है ये कैसे पता चलेगा? यदि 1999 हमें दो से पूर्णतया डिवाइड होती है तो सम है, पूर्णतया डिवाइड नहीं होती है तो वो विषम है। तो दो से डिवाइड नहीं होती पूर्णतया तो ये क्या है? विषम है, घात जो है वो विषम है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? अगर इकाई का अंक 4 या 9 हो और घात विषम हो, घात विषम हो तो मान वही आएगा जो सवाल में संख्या का इकाई का अंक है वही उस पूरे सवाल का इकाई का अंक आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम देखें अगर यही सवाल 1999 की घात 1998 होता, इसका इकाई का अंक का इकाई अंक हमें निकालना है, इकाई का अंक हमें निकालना है। तो हम पहले इस सवाल में संख्या का इकाई का अंक देखें, 9 है यानी केस थर्ड में आता है। ठीक है, केस थर्ड में आता है तो ये जो ऊपर घात दे रखी है वो क्या है? सम है। घात सम है तो हम क्या करेंगे? 9 की घात जो इकाई का अंक दे रखा है उसकी घात 2 करेंगे। 2 करेंगे यानी 2 करने पर क्या आएगा? 81। तो यहाँ पे क्या है इसका इकाई का अंक? इकाई का अंक जो है वो क्या आ गया? 1 आ गया। इस तरह से हल करेंगे। अगर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, देखो अगर यहाँ पे 1994 की घात 1994 होता का इकाई का अंक निकालना है तो देखो 4 है इस सवाल में, इकाई संख्या जो दे रखी है उसका इकाई का अंक 4 है यानी केस थर्ड में आता है। 4 है तो इसकी घात देखेंगे सम है या विषम है, तो घात क्या है? सम है। अगर विषम होती तो सीधा इसका आंसर 4 आ जाता, इकाई का अंक 4 आता, लेकिन घात जो है वो सम है। सम है तो क्या करेंगे? 4 की घात 2 करेंगे। जो इकाई का अंक दे रखा है उसकी घात हमें 2 करनी है। यहाँ पर भी हमने इकाई का अंक ये घात सम थी तो इकाई का अंक का घात जो है वो 2 लिखी थी, घात 2 लिखने पे इसका 16 आएगा यानी इसका इकाई का अंक क्या आ गया? 6 आ गया। देखो जब सम हो विषम हो तो वही आएगा जो इकाई का अंक पहले दे रखा है वही, और जब सम हो तो 9 के लिए 1 आएगा और 4 के लिए 6 आएगा, यानी 4 के लिए 6 आएगा और 9 के लिए 1 आएगा। इस तरह से इसको हल करेंगे। देखिए आज का लास्ट सवाल है। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो इस सवाल के अंदर हम देखेंगे, देखो 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 प्लस 7 की घात 1999 का इकाई का अंक हमें निकालना है। तो देखिए हम संख्या का इकाई का अंक देखते हैं, 7 है, इसमें 1 है, इसमें 7 है। तो 7 है यानी ये क्या है? केस सेकंड है, केस सेकंड है। ये क्या है? ये केस फर्स्ट है, ये भी केस सेकंड है। ठीक है, यानी केस सेकंड में क्या था? संख्या 2 थी, 3 थी और 7 और 8 थी। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे? जो घात थी उसके 2 अंक लेते थे और उनमें 4 का भाग देते थे, यानी घात में क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। घात के 2 अंक लिए, उनमें 4 का भाग दिया, 4 का भाग देने पे शेषफल क्या आया? 2 बार 8 और 19, 4 बार 16, 3। शेषफल क्या आया? शेषफल जो है वो 17। हम क्या करेंगे? शेषफल को 3 बार लिखेंगे, 17 की घात 3 है यानी इस शेषफल को 17 की पावर लिखेंगे, 17 की घात 3 आ गया यानी 17 गुना 17 गुना 17। 7 को 7 से किया 49। अब ये 9 को 7 से किया कितना है? 63। इकाई का अंक क्या आ गया इसका? 3 आ गया। इसका इकाई का अंक 3 आ गया, हमने ले लिया। केस फर्स्ट में क्या था? चाहे घात कितनी भी हो, घात से हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें इकाई का अंक 1 है यानी ये केस फर्स्ट में, घात कितनी भी हो जो इकाई का अंक उस संख्या का है वही आएगा, तो इसका अंक 1 आ गया। अब इसमें 7 वाले में सेम यही चीज है, इस तरह से हल करेंगे तो 7 की जगह पे क्या आएगा? 3 आएगा। इसका इकाई का अंक 3 आएगा, 3 + 1 + 3, ये आंसर क्या आ गया इसका? 7 आ गया। इस तरह से इसको हल करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।